बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर कला पंचायत के पकिलपार गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़िता और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज वालों के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाते हैं, तब तब बिहार में जंगल राज आ जाता है। हालांकि इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस के अनुसार 2 की गिरफ्तारी हो गई, जबकि 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। दुखद घटना घटी है और हम ये समझते हैं कि जब से ये सरकार में बदलाव आया है, अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है और मनोबल बढ़ने का नतीजा है कि आज एक नाबालिग के साथ जो महादलित परिवार की लड़की है, इसके साथ गैंग रेप हुआ है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि देखिए गैंग रेप करने वाले का नाम है, अभी हमको नाम उनका एफआईआर से नाम मिला है, पुष्पराज यादव, ज्योतिष यादव, राजा यादव, सरवर यादव, ये 4 लोगों पर नियम एफआईआर हुआ है, जिसमें 2 गिरफ्तार हुए और 2 लोग भागे हुए हैं।